मेरा नाम श्रीकांत सिंह है, मैं गांधी साहित्य भंडार से हूँ, जो राजघाट पे है। पार्किंग के अंदर हमारा स्टॉल है। हमारा जो पब्लिकेशन है हमारा राजघाट पे है, हेड ऑफिस गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा है, गांधी म्यूजियम के साथ में है। तो हमारा काम है कि गांधी साहित्य को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का है, कि सस्ता से सस्ता लोगों तक पहुँच जाए किताबें, वो गांधी जी को जाने कि गांधी जी पहले क्या थे। अब जो है जो नई पीढ़ी आ रही है वो गांधी जी को दिन पे दिन भूलती जा रही है, क्योंकि अब लिटरेचर ऐसा हो गया कि लिटरेचर एक तो क्वालिटी इसकी रेट हाई हो गए, और दूसरी बात जो है उतना इंटरेस्ट लोग लेते नहीं, और एक गांधी साहित्य जो इंटरनेट के थ्रू चला गया, जो इंटरनेट में चला गया, अब उस पर गांधी जी के साहित्य पे इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया। वो अब किताबें परचेज नहीं करते, जो चीज़ पढ़नी होता है इंटरनेट में देख लेते हैं, और गांधी से संबंधित उनका धीरे धीरे लगाव जो है ना अब ख़त्म होता जा रहा है। अब जो नई जो पीढ़ी आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, और पुरानी बात जो है जो गांधी जी से रिलेटिव रखते हैं वो थोड़ा बहुत गांधी जी को मानते हैं, उनके साहित्य पढ़ते हैं और उनके बारे में कुछ लोगों को भी जानकारी देते हैं। ये सब ऐसी चीज़ है कि जो गांधी से संबंधित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना, अब वो चीज़ अब लोगों के अंदर नहीं रह गई। जैसे वही जो मटेरियल है, मान लीजिए सत्य के प्रयोग जो है, हाँ, उसमें गांधी जी ने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी है, तो वो अगर हम ऐसे किताबों के रूप में लेके पढ़ें और एक अगर हम जब ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो क्या डिफरेंस दोनों में, क्या अंतर देखने? डिफरेंस क्या है, जो इंटरनेट पे डालते हैं वो पूरे सब्जेक्ट नहीं डालते, उसमें से छांट करके उसको कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। पूरी जो लाइफ है जो उनकी अपनी, वो अपने खुद पढ़ेंगे तब उन पर पूरी जानकारी मिलेगी, इंटरनेट में पूरी जानकारी उनको नहीं मिल पाएगी। उनके शॉर्ट में जो है ना उनका जो है ना लाइफ हिस्ट्री उसमें इंटरनेट में डाल देते हैं लोग। तो जो हमारा साहित्य है, क्योंकि हाँ, भारत साहित्य के मामले में बहुत ज़्यादा धनी रहा है शुरू से लेकर अभी, बिल्कुल अभी भी है, हमारा इतना है कि हम विदेशों को भी पढ़ने के लिए पढ़ने देते हैं, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग की जो पीढ़ी है, आने वाली जो आने जो है, उसको साहित्य से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपका क्या सोचना है इसके ऊपर? वो इन लोगों की नई पीढ़ी के लिए एक तो काम करना चाहिए, एक तो साहित्य उनको सस्ती होनी चाहिए पहले बार, और दूसरी बात उनको एक आकर्षण करना चाहिए कि साहित्य के बारे में जो है जितनी भी सस्ती सस्ती किताबें होंगे लोग उसको पढ़ेंगे। और अब क्या करते हैं, गांधी साहित्य जो लेने लायक नहीं है, जो किताबें वो परचेज नहीं कर सकते, वो बेचारे लाइब्रेरी में धक्के खाते हैं, लाइब्रेरी में जो है घंटा दो घंटे बैठ के पढ़ते हैं, जितने थोड़े बहुत एक दो घंटे पढ़ लिया, अब वो सस्ती किताबें रहेंगी तो अपना परचेज करके घर पर भी ज़्यादा समय लगा के उस किताब में पढ़ेंगे। अच्छा, एक ये भी बताइए आप कि ये गांधी स्मृति दर्शन समिति की तरफ से ये जो किया गया है, प्रोग्राम जो है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे सकारात्मक है ये समाज के लिए, या फिर आप लोगों को कैसे मौका यहाँ पर मिला? ये ऐसे मौका इसलिए मिला है कि ये लोग गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन जो है एक उत्सव मनाते हैं, तो हाट का मेला लगता है इनका, तो इसमें साहित्य का भी होता है। पिछले साल साहित्य का इन्होंने नहीं करा था, इस बार जो है साहित्य उत्सव का भी इन्होंने प्रोग्राम रखा कि एक जो है गांधी साहित्य का भी प्रोग्राम रखा जाए और साहित्य के बारे में जो है लोगों तक जो है पहुँचे, किताबें पहुँचें कि साहित्य के बारे में लोग पढ़ें उसको। तो इसलिए गांधी दर्शन का एक एक्टिविटीज है, उनका साहित्य का भी जो है प्रचार करना है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचार हो, गांधी जी को जाने पढ़ें। और गांधी जी को एक तरह से तो जो है लोग जो नई पीढ़ी है वो अधिकतर से ज़्यादा भूलती जा रही है, उनको ये उत्साहित करना है कि भाई गांधी जी के बारे में कुछ उसका उत्कर्षित हो, जानकारी मिले,